हेलो, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज एम एस हुसैन और आज हमारे साथ हैं रुबेन शर्मा, जिन्होंने हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम में डीएसपी पोस्ट को सिक्योर किया है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी रही इनकी, एक प्रीलिम्स की क्या स्ट्रैटेजी रही इनकी मेंस की, और किस टाइप से इन्होंने प्रिपरेशन किया इंटरव्यू का, और इनकी ओवरऑल जर्नी के बारे में जानेंगे कि एक स्टूडेंट से एक ऑफिसर बनने की क्या जर्नी रही इनकी। आज इनसे इनकी जुबानी हम लोग आज सुनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा पूरे अभिमन्यु टीम के तरफ से रुबेन शर्मा का एससीएस में सिलेक्शन के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस रुबेन थैंक यू सर। जी। तो रुबेन, सबसे पहले तो ये बताइए कि जैसे कि मैं हर जितने भी हमारे टॉपर्स हैं सबसे पूछता हूँ, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, यही सवाल पूछ रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये बताइए कि जब आपको पहली बार पता चला कि आपका एससीएस में सिलेक्शन हो गया, तो उस टाइम आपकी फीलिंग क्या थी, आपका रिएक्शन क्या था, आपके फैमिली का रिएक्शन क्या था? सर एक्चुअली रिजल्ट मतलब इन्होंने मार्कशीट पहले एक दिन पहले दे दी थी और रिजल्ट आया था, तो जब मार्कशीट आई थी उसी के बेसिस मैंने थोड़ा बहुत कैलकुलेशन लगा लिया था, बट थोड़ा फिर भी डाउट था कि क्या मिलेगा। तो ये तो समझ आ गया था कि एक अच्छी रैंक आएगी, लाइक रैंक 35 आ गई थी और कोई अच्छी पोस्ट मिलेगी, बट एग्जैक्टली श्योर नहीं था कि डीएसपी मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो जब तो मेरे को तो ये था कि शायद टैक्सेशन ऑफिसर मिलेगा, पर मैं चाहता डीएसपी था, मतलब वो मेरी सेकेंड चॉइस थी। तो जब वो मिला तो मैं मतलब काफी काफी सरप्राइज हो गया कि चलो मिल गया, काफी खुश भी था, एक्साइटेड भी था। तो एकदम से पेरेंट्स को बताया और सब फ्रेंड्स को, सिस्टर को, जो आसपास के सबको बताया, तो काफी अच्छी फीलिंग थी। मतलब तो क्योंकि मतलब जो मैं चाह रहा था एक रैंक, वो जो पोस्ट मैं चाह रहा था, एक मेरा ड्रीम पोस्ट, वो मुझे मिल गया था। जी, सबसे पहले तो एक वो दिन था जो एक दिन बाद आपके पता चला था कि क्या एलोकेट हुआ है। पहले तो मार्कशीट उन्होंने निकाल दिया था, तो वो एक दिन का जो गैप था उस टाइम का सिचुएशन क्या था? हाँ सर, बिल्कुल सही बताऊँ तो जिस रात को मार्कशीट आई थी उस रात में पूरी रात नहीं सोया था, ठीक है, और मैं अपना पूरा कैलकुलेशन में लगा हुआ था, क्योंकि एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था क्या क्राइटेरिया है, क्या वो रहेगा। तो उसका मार्क्स कैलकुलेट करके, रैंकिंग लगा के, किसको क्या मिलेगा, तो वो काफी वो था, मतलब एक एंशियस मोमेंट था, क्योंकि अब एक तो खुशी भी थी कि हो गया है फाइनली, तो समझ आ गया था, और रैंक भी अच्छी आई है, मतलब एक अच्छा वो मिल जाएगा, ये भी समझ आ गया था, बट एग्जैक्टली क्या मिलेगा तो डेफिनेटली मैं पूरी रात नहीं सो पाया, तो शायद इससे पता चल जाएगा कि मैं एंक्शियस था ही डेफिनेटली। जब फाइनली जब लिस्ट आई, हम सब सुबह से बार बार देख रहे थे कि कब लिस्ट रिलीज होगी, कब लिस्ट रिलीज होगी। तो जब आई थिंक 7 इवनिंग के अराउंड रिलीज हुई थी जब मैंने चेक किया, तो फिर काफी है, जब जब देखा अपना नाम लिस्ट में, तो और रैंक भी देखी, मतलब जो पोस्ट की डीएसपी की मिल गई जो मैं चाह रहा था, तो मुझे काफी खुशी हुई। रुबेन, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? तो सर मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ, जी तो देहरादून का मैं रहने वाला हूँ। जी मेरी एजुकेशन राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज एक स्कूल है, ये जी डिफेंस स्कूल है, यहाँ में इसमें हर एक स्टेट से एक ही स्टूडेंट सेलेक्ट होता है जी और हमें डिफेंस में जाना कंपलसरी होता है, तो जी उसमें मेरी एजुकेशन हुई है। बट क्योंकि मेरे को मेडिकल इशू इंजरी हो गई थी, तो मैं डिफेंस में जा नहीं सका, बट जी डेफिनेटली वो बैकग्राउंड, वो जो वहाँ पे एक एनवायरमेंट मिला, उसने काफ़ी मेरे को काफ़ी असिस्ट किया मेरी लाइफ में। जी उसके बाद फिर अपनी इंजीनियरिंग के लिए मैं बिट्स पिलानी गया हैदराबाद कैंपस, तो वहां से मैंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी करी। फिर जी 2015 में फिर मैं जॉब में चला गया। मैं मतलब वैसे तो मेरी इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग साइड से थी, पर जी जॉब मेरा आईटी फील्ड में लगा, फ्लिपकार्ट में एज अ बिजनेस एनालिस्ट जी बैंगलोर में। तो 3 ईयर्स मैंने वर्क किया बैंगलोर में, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, मतलब वर्किंग इन फ्लिपकार्ट, बिकॉज फ्लिपकार्ट एक फास्ट मूविंग ग्रोइंग कंपनी है और एक स्टार्टअप था जिसका वर्क कल्चर भी काफी अच्छा था, जी तो वहाँ मुझे काफी मजा आया, काफी कुछ सीखा मैंने उस प्राइवेट जॉब में। और साथ साथ मतलब मैं नेशनल्स खेला हूँ शूटिंग में, तो मैं अपने फ्लिपकार्ट के साथ साथ नेशनल्स भी खेलता रहा शूटिंग में, अच्छा तो वहां पे भी मेरी एक हॉबी रही। तो जी 2018 में मैंने अपना जॉब क्विट कर दिया था और फिर मैंने सोचा था कि मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करूंगा। जी तो आप जब एसएएस की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ऑलरेडी आप कहीं पे जॉब कर रहे थे या फिर आप जॉब छोड़ चुके थे उस टाइम? सर मैं जॉब छोड़ चुका था, मैं 2018 में जॉब छोड़ दिया था, फिर उसके बाद जी मैंने सिर्फ इसी के लिए ट्राई किया, मैंने और कुछ साइड में जॉब का नहीं सोचा। तो अगर हम लोग बात करें प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी, चाहे वो जीएस पेपर हो चाहे सीसेट हो, तो सीसेट के लिए क्या स्ट्रैटेजी थी, जीएस के लिए क्या स्ट्रैटेजी थी? सर एक्चुअली मतलब एससीएस के लिए ही नहीं, मैं तो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, थ्री जी मेंस भी लिख चुका हूँ, तो मेरी कहने की स्ट्रेटेजी जो थी वो मेन तो यूपीएससी के लिए बनी थी, बट अब तो एससीएस और यूपीएससी में कोई फर्क रहा नहीं है, मतलब बहुत क्लोज हो गए हैं, तो वो जी स्ट्रेटेजी आपकी, इसलिए शायद मेरे को उसका बेनिफिट यहाँ मिल गया, और वो स्ट्रेटेजी भी शायद औरों के काम आ सकती है।
तो प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि एक तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आपका बाइबल है उसमें, वो तो क्योंकि आपको अगर नेचर ऑफ पेपर समझना है, जैसे हम SCS का ही देखें तो वो पेपर डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब जैसे 2019 से पहले जो पेपर आया करता था अब वैसा पेपर नहीं आता है, वो जी डिफरेंट हो चुका है। तो जी उस सेंस में देखा जाए तो जैसे पेपर का नेचर चेंज हो रहा है वो आपको क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के ही समझ आएगा। जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए कि आप वो उसको समझिए, और सिर्फ अब ये नहीं आपको सिर्फ SCS देखना है, अब UPSC के भी लास्ट 4-5 ईयर्स के प्रीलिम्स के पेपर देख लीजिए, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल सेम होता जा रहा है SCS में। जी उससे आपको समझ आएगा कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं स्पेसिफिक, उनकी क्या क्या वेटेज है, जी कैसे कैसे हम उसको कवर कर सकते हैं। अगर मैं इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स पे जाऊँ तो जैसे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है और जो एक एस्पिरेंट्स के लिए मस्ट है कि वो इसमें तो क्वेश्चंस को लूज ना करें, जी क्योंकि प्रीलिम्स में भी आपको एक कट ऑफ है, आपको क्वालिफाई करना है। तो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कट ऑफ के पार ले आ जाएंगे, जैसे एक है उसमें पॉलिटी, जी पॉलिटी है पॉलिटी है, हर साल एक अच्छा खासा लाइक 15-17 क्वेश्चंस अराउंड आई जाते हैं, और जी पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा रिलेटिवली इजी भी है, उसमें करंट है, बट अगर एक स्टूडेंट ने एक लक्ष्मीकांत बुक होती है उसमें सब वही प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर जी आपने और कहीं से नोट्स भी मिल जाते हैं आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट के, तो अगर आपने वो अच्छे से किया है, आपके बेसिक चैप्टर्स अच्छे से हो रखे हैं, तो मेरे ख्याल से 17 में से 14-15 क्वेश्चंस, इनफैक्ट 17 में से 17 क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर सकते हैं। जी तो पॉलिटी की तो यही स्ट्रेटेजी है कि आपकी लक्ष्मीकांत तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखते रहिए, UPSC से देख लीजिए, UPPCS को देख लीजिए, घटना चक्र बुक आती है उससे भी आप देख सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन पेपर से देख लीजिए, आप समझ जाइए कि प्रीलिम्स में पॉलिटी में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो काफी स्ट्रेटेजी होता है, जी तो आप उसे करिए। फिर सेकंड जो एक इम्पॉर्टेंट वो है वो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की काफी स्कोरिंग है, क्योंकि इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि इकोनॉमिक्स कंसेप्चुअल है, एक बार आप कंसेप्ट को समझ गए फिर आप उसमें गलती नहीं करेंगे, क्योंकि जी उसमें सिंपल से क्वेश्चन हर साल ही आते हैं कि इससे इन्फ्लेशन घटेगा या बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इससे कम होगा बढ़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या होगा, तो ये एक ऐसे क्वेश्चन है जिसके अगर आपको बेसिक एक बार क्लियर हो गए किसी भी स्टूडेंट को तो वो इसमें गलती नहीं करेगा। जी और अगेन इकोनॉमिक्स से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, जी तो अगर आपने इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स आप NCERT से भी कर सकते हैं, या फिर काफी अब तो ऑनलाइन रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, आप किसी से भी कर लीजिए, आप अपने जो बेसिक क्वेश्चन है वो सबको बता दें क्या क्या होता है, आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आप एक स्टूडेंट को समझ आ जाएगा वो क्या है, उसके बेसिक आप बिल्कुल क्लियर करके रखिए। और फिर इसमें इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत करंट का तो रहता ही है, क्योंकि बैंकिंग हो गया और बैंकिंग में इतनी सारी चीज हो गई, ऑनलाइन बैंकिंग आ गई, ई बैंकिंग, डिजिटल में इंडिया इतना आगे जा रहा है, बट खैर मैं न्यूज पेपर वाले पार्ट में शायद बाद में आऊंगा, तो उससे वो चीज लिंक हो जाएगी। तो ऐसे इकोनॉमिक्स हो गया, अब हिस्ट्री में से मॉडर्न हिस्ट्री है, उसमें स्पेक्ट्रम ही मोस्टली एस्पिरेंट्स रेकमेंड करते हैं, उसमें मैंने काफी बुक्स और भी देखी, तो मुझे लगता है स्पेक्ट्रम अपने आप में काफी कंप्लीट बुक है, जी तो और मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और मॉडर्न इंडिया काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, तो एक बार अगर आपने मॉडर्न इंडिया अच्छे से फिनिश कर लिया तो अगेन आपके अच्छे क्वेश्चन उसमें से बन जाएंगे। एंशियंट और मीडियवल में थोड़ा सा वो रहता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन कभी इधर उधर से पूछ लेते हैं, बट उसमें भी अब कोर जो बेसिक टॉपिक्स है उसको नहीं छोड़ सकते, जैसे इंडस वैली हो गया या वैदिक पीरियड हो गया या महाजनपद हो गए, जो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट जो बिल्कुल बेसिक है वो तो एक हर एक एस्पिरेंट को कवर करना ही चाहिए। सेम गोज अगर मीडिवल इंडिया में देखें तो उसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर और ये मुगल पीरियड का और ये पूरा है, इंपॉर्टेंट वॉर्स जो है, तो मैं कहूंगा कि एंशंट मीडिवल में तो शायद थोड़ा एस्पिरेंट इतना ज्यादा डिटेल में ना जाए, क्योंकि बहुत वास्ट भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि आप उसे बिल्कुल ही छोड़ दें, वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई इजी क्वेश्चन आएगा जो सब कर पाएंगे वो आपको भी करना है, कोई जी बहुत टफ आ जाएगा तो फिर वो छोड़ा भी जा सकता है, पर मॉडर्न तो आपको स्पेक्ट्रम से पूरी करनी है। और स्पेक्ट्रम के बारे में एक और चीज बोलना चाहूंगा, मैं सारी बुक्स के बारे में एक और चीज बोलना चाहूंगा सारे स्टूडेंट से, कि हमें पूरी पूरी बुक्स करनी जरूरी नहीं है, जैसे जी लक्ष्मीकांत है, ऐसे नहीं कि हमें लक्ष्मीकांत फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक करनी है, उसमें कुछ काफी सारे चैप्टर्स हैं, जैसे वो बॉडीज पे है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे, उनसे क्वेश्चन नहीं आते, जैसे लोकपाल और ये सब पे इतने क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि एज क्या है ये क्या है, लेकिन जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं ऐसे स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम में कुछ भी स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, जब ब्रिटिशर्स जब आए थे वॉर्स के ऊपर, मराठा वॉर और ये सब, वो उस पर इतने क्वेश्चन नहीं आते, बेसिकली फ्रीडम स्ट्रगल और मूवमेंट पे ही आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो 600 पन्नों की बुक है तो हमें 600 के 600 पन्ने अच्छे से करने हैं, वो एक मिस्टेक शायद काफी स्टूडेंट्स कर जाते हैं, उन्हें एक लगता है कि एक बुक से पूरा ही हमें करना है, उसमें काफी टाइम चला जाता है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ता है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ चैप्टर से उनसे शायद 3-4 या 5 साल में एक ही बार क्वेश्चन आया, तो उनको छोड़ना ही शायद बेटर होगा, इससे बढ़िया कि आप और चैप्टर अपने इंप्रूव करिए, क्योंकि आपको मेंस की तरफ भी देखना है, जी सिर्फ हमें जी प्रीलिम्स पे ही सारा फोकस नहीं करना है, तो ये भी एक मैं बात बोलना चाहूंगा, चाहे स्पेक्ट्रम बुक हो गई चाहे लक्ष्मीकांत, हमें हर चैप्टर नहीं करना है कुछ कुछ, जी मतलब तो ये हो गई मेरी हिस्ट्री की स्ट्रेटेजी। फिर बाकी सब्जेक्ट से ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भी काफी डायनेमिक है, उसमें मैपिंग का काफी रहता है, उसमें तो सिर्फ NCERT में सजेस्ट करूंगा, जीसी लियोंग काफी रेकमेंड करते हैं, मैंने जीसी लियोंग को कभी ज्यादा रेफर नहीं किया है, जी क्योंकि NCERT काफी सफिशियंट है उसमें, क्योंकि यूजुअली जो क्वेश्चन पिक करते हैं वो काफी बार NCERT से, जो जैसे रिवर्स NCERT में मेंशनड है उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन बनता है,
और कोई उसके बाहर आ रहा है तो फिर ज्योग्राफी बहुत वास्ट है, उसको कभी कभी करना टफ हो जाता है। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी हेल्प कर सकते हैं, जैसे घटना चक्र में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते हैं, उससे आप ले सकते हैं हेल्प। पर तो ज्योग्राफी की स्ट्रेटेजी में ये है, अब एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, हरियाणा में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेसिक साइंस वाले क्वेश्चन पूछते हैं, यूपीएससी में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है जो हरियाणा में आता है उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो उसको तो मैं कहूंगा कि काफी यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं जिन्होंने साइंस कवर करा रखी है, 3 आवर्स 4 आवर्स मैराथन सेशन, तो वो तो मैंने उसी से कवर कर लिया था। उसमें भी उन्होंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके करे हुए हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो थोड़े फैक्चुअल होंगे पर वो इजी भी होंगे अगर एक बार। वैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से रहा हूँ तो मेरे को बहुत ज्यादा टफ नहीं लगी वो चीज, जी बट एक बार वो क्वेश्चंस अगर आपने एक बार कर लिए तो उसका वो हो जाएगा। और सेम गोज एनवायरमेंट का जो बेसिक होता है, उसमें भी शंकर आयस की बुक को कहा जाता है, एक नीलकांत सर की बुक है, एक मेरा एग्जैक्टली ऑथर नाम नहीं याद आ रहा, उनकी मतलब सेम सिमिलर सी बुक्स हैं जी ऐसे एनवायरमेंट का है। तो सर मैं तो यही मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी रही है। जी और अगर हम लोग बात करें मेंस की स्ट्रेटेजी के बारे में, तो मेंस के लिए क्या किया था आपने? तो सर अगर मेंस जाए तो फिर से मेंस के लिए देखिए आपका सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हैं तो मेंस में तो आप सोचिए उनसे 10 टाइम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्पेशली, क्योंकि अब मेंस में भी जैसे लास्ट टाइम हरियाणा जो अभी पेपर रिसेंटली कंक्लूड हुआ है उसका पैटर्न बदला गया है। पहले तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के ऐसे ऐसे होता था, अब तो उन्होंने 6 मार्क्स और 14 मार्क्स भी लिया, कहीं ना कहीं यूपीएससी पैटर्न पे जा रहे हैं, वहां पर जैसे 10-15 मार्क्स के आते हैं, तो ये अब उसी डायरेक्शन में, अब 6 और 14 कर दिया उन्होंने, तो कहीं ना कहीं उसी डायरेक्शन में क्वेश्चन का अगर हम नेचर भी देखें तो यूपीएससी वाला ही था। जैसे लास्ट टाइम का जो पेपर था 2019 उसमें काफी फैक्चुअल क्वेश्चन आए थे बहुत ज्यादा, इसमें कोई फैक्चुअल नहीं था, ज्यादातर एनालिटिकल ही थे, मतलब इनफैक्ट मेरे को लगता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट यूपीएससी पैटर्न पे लोग मूव कर चुके हैं। तो किसी भी एस्पिरेंट को इसमें मेंस की प्रिपरेशन करनी है तो अगर उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा अच्छे से, एटलीस्ट यूपीएससी के 5 ईयर्स, इनफैक्ट सॉल्व क्वेश्चन पेपर आप ले आए, एक मैं बुक का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, हाँ शून्य आई है, शून्य आई इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है सॉल्व जो मेंस की, तो उसमें आपको आंसर मिल जाता है, तो आपको एक थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया लग जाता है कि कैसे आंसर लिखा जाए। आप टॉपर्स की कॉपी यूज कर सकते हैं, यूपीएससी के टॉपर्स हैं जिनकी कोचिंग की कॉपी है, तो उससे मेरे को लगता है कि एक एस्पिरेंट को साइमल्टेनियसली वो सब देखते रहना चाहिए, मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहे, उनकी जो मॉडल आंसर है आप उनको देखते रहे, एक टॉपर की भी आप कॉपी देखते रहे। इसको आपको एक अच्छे से रूटीन में बांधना पड़ेगा कि आप 1 आवर उसको दे रहे हैं, 1 आवर, ऐसे नहीं कि आप एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, उससे आपको आइडिया लगता रहेगा कि मेंस का आंसर कैसे लिखा जाता है, उसकी क्वालिटी कैसे इंप्रूव करी जाती है, एक टॉपर जो है जो जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो कैसे लिख रहे हैं, तो वो उस डायरेक्शन में मूव करेंगे। और जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो काफी क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं या जिनका थीम तो रिपीट होता ही है, जैसे सोसाइटी, हिस्ट्री, ये सब के क्वेश्चन हो गए, या आप इंटरनेशनल रिलेशन ही ले लिए, ऐसा कुछ एकदम से नहीं बदलता है, तो उसमें डेफिनेटली जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे ही होंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि फ्यूचर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो आपने आंसर राइटिंग भी आप ऐसे कीजिए कि आंसर राइटिंग आप कोई टॉपर की कॉपी ले लीजिए, आप कोई क्वेश्चन उसका लिखिए, खुद लिख के देखिए, फिर एक टॉपर का आंसर चेक करें, फिर आपको पता चल जाएगा कि खुद ही आप जब पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से सेल्फ इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हम कई बार कोचिंग के मॉक टेस्ट और ये सब लगाते हैं, और मैंने भी किए थे, वो मैंने भी दिए थे, बट मेरे को लगता है उससे ज्यादा कहीं ना कहीं एक सेल्फ इवेल्युएशन, मतलब अगर आपने किसी टॉपर की कॉपी पढ़ी और आपको लगा कि वो पढ़ने में मेरे को ईजी लगा, मतलब उसका फ्लो मुझे ईजी लगा, और उन्होंने डायग्राम यूज किया जिससे मुझे पढ़ के अच्छे से ज्यादा समझ आया, तो अगर आपको आया हो तो एग्जामिनर को भी शायद वैसे लगा हो, तो शायद वो आप उनको 1 नंबर ज्यादा दे दे, और अगर एक एक क्वेश्चन में एक एक दो दो नंबर मिलते जाए तो काफी डिफरेंस आ जाता है। और तो मेंस की तो यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे स्टिक रहे हैं, बिल्कुल उनसे आप अपना देखते रहें कि किस, अगेन उससे आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट जैसे हमने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, किससे क्या क्या आ रहा है और कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है। और हाँ, मॉक टेस्ट मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप एक, मतलब एक एस्पिरेंट को टेस्ट जरूर देने चाहिए, चाहे वो मॉक टेस्ट दे या फिर वो किसी टॉपर की कॉपी उठा के पूरा टेस्ट ले लें टॉपर का, वो खुद पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करें वही 3 आवर्स में, और फिर टॉपर से कंपेयर करें, मतलब लेकिन उनको 3 आवर्स में वहां पे लिखने की प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि हमें आंसर आता है पर एक क्वेश्चन में हम इतना टाइम दे देते हैं और लास्ट में हम 14 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ देते हैं, या तो डेफिनेटली फिर वो आपको काफी इम्पैक्ट करेगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट कि आप घड़ी एकदम, मतलब इसमें तो SCS में आप रिस्ट वॉच ले भी नहीं जाते, तो आपको वॉल क्लॉक पे देखना होता है, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो कैलकुलेशन चलती रहती है कि ये 6 नंबर का है तो मैं इतना ही टाइम दे सकता हूँ, और भले आपको उसे कितना ही आता हो, आप उसे जब 6 मिनट हो जाए तो आप उसको कंक्लूड करके अगले में बढ़िए, तो ये चीज, ये प्रैक्टिस करना, इसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस भी चाहिए और राइटिंग के साथ साथ रीडिंग भी चाहिए, तो सर यही कहीं ना कहीं मेंस की स्ट्रेटेजी है। जी
और अगर हम लोग बात करें इंटरव्यू प्रिपरेशन की, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन किस लिए, कब से किया था आपने? क्योंकि इंटरव्यू प्रिपरेशन की अगर हम लोग बात करें, रिजल्ट जैसे ही मेंस का आया था उसके 10 से 12 दिन के अंदर आपको इंटरव्यू अनाउंस हो गया था कि इंटरव्यू हो जाएगा, डेट आ गया था, तो उतने कम टाइम में कैसे, किस टाइप से प्रिपरेशन किया था आपने, या फिर क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी, क्या पहले से ही बना के रखा था आपने इंटरव्यू प्रिपरेशन की? देखिए सर, जो मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था अभी, मैं यूपीएससी में तो इंटरव्यू स्टेज पे पहुंच नहीं पाया हूँ अभी तक, तो और भी मैंने स्टेट के मेंस लिखे हैं पर इंटरव्यू नहीं लिखा। पर हाँ डेफिनेटली इस बार मैं यूपीएससी के लिए थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया जब मैंने मेंस लिखा था, बट इतना नहीं किया था। और जब रिजल्ट मेरा नहीं हुआ तो मैं, और वैसे मेरा 28 जनवरी को उत्तराखंड का पीसीएस का मेंस भी था, जी तो मैं पूरी एनर्जी इस समय मेरी उस समय वहीं लगी हुई थी, मैं बस अपने मेंस की तैयारी कर रहा था, जी तो मुझे नहीं पता था कि हरियाणा का रिजल्ट कब आएगा और कैसे होगा, जी तो मैं फुल। तो जब एकदम से रिजल्ट आया तो, और टाइम भी काफ़ी कम दिया इन लोगों ने, तो उसी ड्यूरेशन में मुझे प्रिपेयर करना पड़ा। और वैसे भी मैं हरियाणा से नहीं हूँ तो हरियाणा की जो मेरी नॉलेज है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, जी तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो मैं बोलूँगा फिर जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई, मैंने तो मॉक्स दिए हैं, मैंने मॉक्स के लिए वहाँ, इसमें मेरे ख्याल से अभिमन्यु सर ने जो वीडियो सेशंस लिए वो मैंने जी काफ़ी, जो उन्होंने रिकॉर्डेड थे वो भी मैंने देखे, और जी उनके जो लाइव सेशन थे उसमें भी पार्टिसिपेट किया मैंने, तो मेरे ख्याल से उससे एक अच्छी डायरेक्शन मिल गई, स्पेशली जो स्टार्टिंग के जो सर के सेशंस हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और क्योंकि वही क्वेश्चन एग्जाम में आई भी कि लाइक व्हाई डू यू जी वांट टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज, और उस पर एक सर ने थोड़ा स्ट्रेटजी बता रखी आप कैसे इसके आंसर प्रिपेयर करें, तो मतलब एक आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। और उसके बाद तो फिर क्योंकि टाइम इतना कम था कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं था कि मैं हर चीज के बारे में अपने बारे में क्वेश्चन सोच के उसका आंसर, जो बेसिक बेसिक मोटे मोटे क्वेश्चन थे वो उसका मैंने क्वेश्चन लिख के उसके आंसर लिख के मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से काफी डिस्कस करता था, अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर करके उनको भेजता था कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरा आंसर कैसा लग रहा है, तो वो फीडबैक देते थे, फिर चेंज करता था और मॉक्स देता था। तो सर कहीं ना कहीं ऐसे मैंने प्रिपेयर किया इंटरव्यू के लिए। जी और अगर हम कोई ऐसा इंसिडेंट जब आप इंटरव्यू देने गए थे उसको, अगर कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ घटा हो जो शेयर करना चाहो आप? इंटरव्यू में जो कहेंगे हम, तो सर एक वो था कि एक इंट्रोड्यूस योर सेल्फ क्वेश्चन में प्रिपेयर करके गया था, जी क्योंकि उनके पास हमारा ना डेप्थ था ना कुछ था, तो एक वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला था, तो जब मैं वो प्रिपेयर कर गया और मैं जैसे आरएमसी का जो मेरा बैकग्राउंड था वहां से मैंने स्टार्ट किया, और मैं पूरा बताना चाहता था मेरा कॉलेज, मेरा जॉब एक्सपीरियंस और ये सब, तो उन्होंने मेरे को बस जैसे मैंने बोला मैं इस स्कूल से पढ़ाऊँ, तो उन्होंने वहीं रोक दिया कि आप वहीं रुक जाइए, और फिर वो उसी में मेरे को क्वेश्चन पूछते गए आगे नहीं बढ़े, तो वो मेरे को एक थोड़ा सा वो था कि इन्होंने तो मतलब मुझे, क्योंकि मैं माइंड में तो ऐसे सोच के गया था कि मैं अपना पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा फिर हमारा क्वेश्चन आंसर शुरू होगा, तो एकदम से मुझे बीच में, क्योंकि एक्चुअली जो जो मेरा स्कूल था राष्ट्रीय इंटर मिलिट्री कॉलेज, वो पैनल उसको जानता था कि वो कौन सा क्या स्कूल है, वो काफी एक रेप्यूटेड स्कूल है क्योंकि एक एक स्टेट जी से एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, तो उनको सबको पता, तो वहीं फिर उसमें काफी क्वेश्चन, मतलब उससे उस स्कूल पे तो नहीं, पर जैसे मैंने उस स्कूल को एज अ मिनी इंडिया डिस्क्राइब किया था, तो उस चीज पे वो काफी क्वेश्चन मुझसे 5-6 पूछे गए, और फिर जी धीरे धीरे जो मेरी चीजें थी जैसे नेशनल शूटिंग और ये सब वो आया ही नहीं मतलब मेरे इंट्रोडक्शन में, तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो मैं बता ही नहीं पाया मेरे बारे में इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी, बट वो लेटर ऑन इंटरव्यू में आती गई क्वेश्चंस के फॉर्म में धीरे धीरे, जी तो हाँ बट ये जैसे मैं एक माइंड में एक इमेज बना के गया था मैं सब बता दूंगा फिर मेरे क्वेश्चन होंगे, वो नहीं हुआ, तो वो बस वही एक इंसिडेंट था कि जहाँ जी मेरे को लगा कि और जैसे कि 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, ठीक है, तो क्या अगर मतलब आने वाले स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जो एग्जाम देंगे उनके लिए अगर कुछ मैसेज देना चाहो आप तो? सर मैसेज तो यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखिए कि मतलब आप जॉब करते करते इसको दे रहे हैं एग्जाम को, या आपने सीधा डायरेक्टली आप कॉलेज के बाद दे रहे हैं, और ये तो है कि देखिए एक तो अच्छी बात ये है कि जो एस जो अभी हरियाणा का नोटिफिकेशन आया कि लोग काफी फास्ट मतलब प्रोसेस कर रहे हैं, काफी ट्रांसपेरेंट मैनर में कर रहे हैं, और काफी जी सब कुछ रिजल्ट सब कुछ टाइमली आ रहा है, और क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी भी काफी अच्छी हो गई है, फैक्चुअल नहीं रहा है, यूपीएससी के ट्रेंड पे जा चुका है, तो आई थिंक एक तो यह है कि ये एक्सपीरियंस काफी एक अच्छा हेल्दी साइन है, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात प्रिपरेशन की लेके गई तो ये है कि मेरे ख्याल से आपको जो डेली का रूटीन है, जो आपका डेली का डिसिप्लिन है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कैसे प्रिपेयर, क्योंकि ये काफी लंबा सफर भी हो सकता है, मतलब हम हर कोई चाहता है कि मेरा फर्स्ट ईयर में हो जाए, बट कभी 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स भी लग जाते हैं, तो उसके लिए आपको जो चीज जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट देगी वो आपको जो डेली का जो आपका रूटीन जो आपने बनाया है, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ी सी स्टडीज, मतलब पूरा एक हॉलिस्टिक रूटीन इंटीग्रेट करना चाहिए, जैसा जी आप थोड़ी सी मॉर्निंग में एक्सरसाइज करें, इवनिंग में करें थोड़े टाइम, आप कभी मॉर्निंग या शाम को थोड़ी देर मेडिटेट भी करने बैठे, ताकि आप एक
सिर्फ आपको सिर्फ एक एग्जाम नहीं निकालना है, साथ साथ आपका जो कैरेक्टर है वो भी थोड़ा बिल्ड होता है, आपका माइंड भी थोड़ा थोड़ा शांत रहे ताकि आपकी डायरेक्शन भी सही रहे। जी और बाकी तो फिर जैसे, हाँ एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ये एग्जाम अगर मेरे को लगता है 60% तो आपकी पढ़ाई मेहनत जो भी आप कर रहे हैं, जो आपकी स्टडीज है, और 40% आपकी स्ट्रेटेजी है ये एग्जाम। जी तो सिर्फ अगर कोई एस्पिरेंट सुबह से रात तक सिर्फ बुक्स के साथ लगा हुआ है, वो हिस्ट्री पढ़ जा रहा है, वो ज्योग्राफी पढ़ जा रहा है, और उसे लग रहा है कि मैं तो सुबह से रात तक मेहनत ही कर रहा हूँ, मेरा हो जाएगा, तो मुझे लगता है शायद उसका ना हो। तो ये हो भी सकता है, किसी का ऐसा कोई रूल नहीं है, बट मुश्किल भी है, क्योंकि सिर्फ आपका हार्डवर्क इसमें नेसेसरी नहीं है, इसमें आपकी स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी मतलब अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह से रात तक सिर्फ आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जी उसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस को ये क्वेश्चन भी देख रहे हैं 2 घंटे के लिए, आप 1 घंटे के लिए किसी टॉपर के आंसर्स भी पढ़ रहे हैं। ऐसे प्रीलिम्स में, सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ मॉक लगा रहे हैं, आप टॉस टेस्ट सॉल्व करते जा रहे हैं, आपने 50 मॉक टेस्ट दे दिए, 40 दे दिए, काफी स्टूडेंट्स ऐसे रेकमेंड करते हैं, वो ठीक है, वो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी रहती है कितने आपको देने हैं, बट उसके साथ साथ आप मेक श्योर कि आप डेली या फिर हर 2 से 3 दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में चीज फ्रेश रहे। कभी क्या होता है, हम एक बार को एक चीज को एक बार देखता हूँ, हमें लगता है हमें आ गई नहीं, अब जी बार 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 सिलेबस को, बार बार इन चीजों को देखते रहे, तो एक स्ट्रेटेजी, मतलब जो आपकी स्ट्रेटेजी है उस पर भी आपको 40% टाइम फोकस जाना चाहिए, और जो आपकी मेहनत है उस पर आप 60% आपका टाइम जाना चाहिए। तो ये आई थिंक मेरे लिए मैं जो एक मैसेज देना चाहूंगा कि ये काफी क्रूशियल है कि आप बैलेंस करें चीजों को, एक स्ट्रेटेजी बना के चले, क्योंकि जो एग्जाम इतना वास्ट है जिसमें इतनी सारी चीजें आ जाती हैं, उसमें आपको स्ट्रेटेजी बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि जी वरना विदाउट स्ट्रेटेजी आप कहीं ना कहीं भटक जाएंगे, क्योंकि मतलब एक अथाह सागर है ना, आप इसमें कहीं ना कहीं खो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको अगर अपनी जी दिशा बनानी है तो आपको स्ट्रेटेजी बनानी ही पड़ेगी। जी थैंक यू रुबिन, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और आई होप जो भी आपने इनपुट दिया है उनसे हमारे आने वाले एस्पिरेंट्स कुछ सीखेंगे, और बहुत सारे चीज़ें हैं सीखने को, और थैंक यू हमारे टाइम देने के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। ओके थैंक यू सर, थैंक्स टू अभिमन्यु आईएएस आल्सो, आई थिंक जो सर है, सर ने काफी अच्छी गाइडेंस दी है। इनफैक्ट सर का ये भी एक कोई अच्छा पॉइंट लगा जो मैं मेंशन करना चाहूंगा, कि हमें कोई भी डाउट होता था हम सर से, मैं तो सर से पर्सनली ऑडियो मैसेज करके पूछे था, जी और सर का तुरंत रिप्लाई आया था। तो काफी बार हमें काफी डाउट्स रहते हैं जब इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं, ये करना है, जी ये करना है, वो करना है, और उसमें टफ होता है रीच आउट करना, जी तो उसमें सर काफी काफी मतलब सर को रीच करना काफी ईजी था। जी काफी बार मैं तो सर को 3-4 बार ऑडियो मैसेज भेजा है और सर एकदम रिप्लाई करे, तो आई थिंक उसके लिए आई थिंक अभिमन्यु आईएएस ने एक एक सेल्फलेस तरीके से इसमें काफी हेल्प करी है स्टूडेंट्स की, तो आप लोगों को भी काफी थैंक्स उसके लिए। जी थैंक यू। ओके थैंक यू सर।